अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई, तुसी दसो जेड़ा तुसी गंदम दे उत्ते की अपना तजर्बा पेश करोगे, जेड़ा तुसी बायोजोर्ट इस्तेमाल कीती सी, तुहानू मशवरा दित्ता सी, तो दसो भाई, वो तुसी जदों इस्तेमाल करन लगे तो पहले गांव वाले तुहानू की कहा, तो फिर तुहाडा रिजल्ट तजर्बा कैसा है? भाई गांव वाले के ये क्या चीज़ है जी, इसने ये यार खा ले तू की करे, ये कदी जी काम किया ही नहीं है पी, ये पैकड़ अच्छा, के वो कह रहे हैं भाई ये की तुसी बायोजोट लाई जा रहे हो, इहदा रिजल्ट नहीं आना या की है? ये तो इन भाई दुका इन दे बड़े क्यों उत्ते लेंदे पे हो, बड़े अपन जाट बंदे इन सट देने पे यार अच्छा जी यार। मैं कह यार मैं तो गल ही एक दोस्त ने ये शान भाई ने मैं लाई है हमारी गंदम, देखें गंदम बहुत अच्छी और उगाओ भी बहुत अच्छा हुआ। अच्छा ते तुसी ये कहना चाह रहे हो कि वो जेड़ी बायोजोट आई वो काश जेड़े बाकी इलाके के काश्तकार वो कह रहे हैं भी वो इस्तेमाल ना करो, वह रिजल्ट नहीं आना, वो कणक नु क्यों काला कर रहे हो, वो इस तरह कह रहे जी हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी फिर जब तुसी इस्तेमाल की थी तो हुण तुसी की कहंदे हो, ये हालांकि किन्ने 20 दिनों की गंदम है नहीं लेकिन नहीं ये उगाओ 18 दिन 18 दिनों की ये गंदम है, 18 दिन की ते उत्ते की तुसी कह रहे हो भाई उगाओ जेड़ा 100%? ये उगाओ कितना ही है, बहुत अच्छा होया गाँव एक दाने नहीं रिया सारा बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा काशकाश भाइयों, एक तो जरूरी गल ये है कि बायोजोर दे इस्तेमाल दी वजह तू ना हमने ये पहली होया, बारी की है अच्छा पहली बारी ये कह रहे ने मतलब इस्तेमाल कीती, ते वो कह रहे ने भाई उस दी वजह तू मतलब के एक तो उगाओ बड़ा अच्छा होया खाद दा गंदम दा, ते हुण हालांकि इन्होंने डीएपी भी नहीं, कि डीएपी इस्तेमाल की थी है, नहीं, कोई नहीं डीएपी कैसे ही नहीं इस्तेमाल नहीं किया। की, लेकिन मैं इन्होंने हुण कहा भी तुसी पहले पानी ते ना एक बैग डीएपी दा अगर नाल सल्फर देना, नहीं तो फिर तुसी जेड़ा ना नाइट्रोफास वो दे दो, तो ये हुण वो इस्तेमाल करनगे इंशाल्लाह। इस खेत दी तुहानू मैं एंड तक वीडियो दिखावांगा जदों इहदी कटाई होएगी, आपां इस खेत दा असी टारगेट रखिया भी 70 मण पैदावार असी किस तरह चकनी इतों, खर्चा भी मुनासिब करके, तो इंशाल्लाह गाए बगाए असी तुहाडे नाल आवांगे, तुहानू ये सारी मालूमात देंदे रहांगे। ये देखो बगैर डीएपी दे जर्मीनेशन इन्हां दे नज़दीक ये बहुत सुपर जर्मीनेशन हुई है 100%, 18 दिनों की गंदम ते ये बहुत अगे। अच्छी है, अगे इस दिन नहीं होती थी, इस फिर बहुत अच्छी अच्छा ये पैदा। कह रहे हैं भी साडा रकबा भी इस किस्म का है, भी इतने जर्मीनेशन इतनी नहीं आती लेकिन हूँ अच्छी हुई है, तो अगर जेड़ा ना इन्हों का कह रहे हैं भी हूँ असी तुहाडा जेड़ा मशरा होएगा बक गंदम के नीचे बीज के साथ जो ना बायोजोट लगवाया था बैक्टीरिया, तो उससे एक तो पता चला कि बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है गंदम की और शगुफे बहुत ज़्यादा निकाल रही है, जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। बिल्कुल बहुत शुक्रिया आसम भाई, अल्लाह हामी नासिर, खुदा हाफिज़। शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं हूँ कामरान नियाज, ग्रोटेक कंपनी इस्लामाबाद से। आज हूँ मैं चुरिस्तान के ये इलाका 98 DB में बिलाल बाजवा साहब के साथ, और ये आज इनके रकबे का मैं विज़िट करने आया हूँ, और ये मैं देख रहा हूँ कि जिधर हमने बैक्टीरिया बायोजोट का बीज को लगवा के डलवाया है, आप उसमें डिफरेंट सामने देख सकते हैं। ये जिधर मैं खड़ा हूँ उधर बायोजोट लगा है, ये परली साइड पे मैं भाई से कहूँगा कि रिक्वेस्ट करूँगा कि वो परली साइड दिखाएं कि उसमें और इसमें डिफरेंस कितना है, कि जगह भी एक है, सारा वो खर्चा भी एक जैसा किया हुआ है लेकिन डिफरेंट नज़र आ रहा है, फ़र्क साफ जाहिर नज़र आ रहा है सर आपको। तो बाकी ये बायोजोट का कमाल है, बाकी भी रिकमेंड करते रहते हैं बिलाल बाजवा साहब को हम, तो अगर किसी ने देखना हो, किसी ने विजिट करना हो, तो ये 98 DB में 98 DB के साथ ही उनका रकबा है, तो जो चाहे जब चाहे आगे देख सकता है। अल्लाह हामी नासिर, कामरान नियाज, ग्रोटेक कंपनी इस्लामाबाद। फैशन गंदम की हुई है, इंशाल्लाह आगे भी अच्छी होगी, और भी कंपनी वाले तो डराते हैं लेकिन अल्लाह ताला बेहतरी करेगा, और अच्छा बैक्टीरिया का रिजल्ट अच्छा आया, जर्मिनेशन फुल हुई है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी लुका साहब। ये मैं दिखाता चलूँ आपको, हाँ कि ये उगाओ इसका आगे तक, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया हुआ है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हामी नासिर, कामरान नियाज, ग्रोटेक कंपनी इस्लामाबाद।